ही बरकत। क्या हाल है विवर? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें बरकत सिमट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खाने का ज़ायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली दी, आपके प्यारों का अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत बनाए और हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ, अपने इदारों के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या मैं बनाने लगी हूँ शलगम और कीमा। मेरे पास एक पाव कीमा है, मेरे पास मीडियम साइज प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मेरे पास एक पाव शलजम है। शुरू करते हैं। हम प्रेशर में 10 मिनट के लिए इसको ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने इसीलिए साबर डाल दिया कि इसका छिलका फिर मैं उतार दूंगी। साथ में इसमें भी मेरे पास एक गिलास पानी है, ये कीमे के साथ एक गेंदे का पिस्ता मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये इसमें हाफ चम्मच नमक है, हाफ चम्मच इसमें हल्दी है, हाफ चम्मच मिर्च है। अब मैं प्रेशर को तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद करूंगी। कीमा तो हमारा गल गया है, इसे मैं छिलके उतार दूँ। शलजम मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ कि ये मसाला भी मिक्स हो जाए साथ में। कीमा तो हमारा अच्छा से भून गया है, मैंने साथ ही शलजम डाल दिए हैं। शलजम मेरे मैंने इनको भून लिया है। अब मैं इसमें हाफ ग्लास पानी डाल के 5 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर दूँ। तो नई सब्ज़ी है और कभी कभी ये सब्ज़ी जो है देर से गलती है, इसलिए प्रेशर में 5 मिनट के लिए लगा देती हूँ। शलजम भी हमारे गल गए हैं, अब मैं इनको मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसमें गर्म मसाला ऐड करूँगी, साथ में इसको धनिया और शॉप करूँगी। इसमें गरम मसाला है, हमारे शलजम की माशाल्लाह से बन गए हैं। अब हम इसे बॉल में डालते हैं। कीमा हमारे बन गए हैं, अब हम इसे बॉल में डालेंगे। शलजम कीमा हमारे बन गए हैं, अब मैं इसे बॉल में गरम मसाला गरम मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने इसमें देसी घी भी साथ में ऐड किया है। ये इसके ऊपर धनिया है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है। सीज़न की सब्ज़ी है, खाएं, बच्चों के लिए बनाएं, पालक के साथ बनाएं, सादा बनाएं, बीफ चिकन और मटन के साथ बनाएं। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरकत वाले घर के दरवाज़े हम मुसलमानों पर खोल दें।